हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, वसीम टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपको बताने जा रहे हैं, आज कुछ आपके लिए नया लेकर आया हूँ। मैं कूलिंग टावर रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन बहुत बंदे का आ रहा है मैसेज व्हाट्सएप में सर, या कमेंट बॉक्स में सर, कूलिंग टावर से रिलेटेड वीडियो बनाए। तो दोस्तों, ये कूलिंग टावर का रिलेटेड वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। तो आज पार्ट वन हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कूलिंग टावर में बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पार्ट वन में आज हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, उसके बाद पार्ट टू में भी सारा क्वेश्चन हम कर लेंगे। ओके दोस्तों, फिर आइए हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो मेरा अगर दोस्तों अभी मैं कूलिंग टावर पर रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम आपको बताएं, तो कूलिंग टावर में बहुत सारा क्वेश्चन है, वो कूलिंग टावर के बारे में आपको सारा हम बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले दोस्तों कुछ अगर कूलिंग टावर की बात, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कूलिंग टावर किसको बोलते हैं या कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर कैसे काम करता है, तो आप कूलिंग टावर के बारे में आप क्या बताएंगे? तो सबसे पहले अगर आप कूलिंग टावर के बारे में बताना चाहेंगे, तो कूलिंग टावर होता क्या, व्हाट इज कूलिंग टावर, कूलिंग टावर क्या है? तो कूलिंग टावर के बारे में बता सकते हैं दोस्तों कि कूलिंग टावर एक हीट रिजेक्शन डिवाइस है, यानी एक हीट रिजेक्ट करने का एक यंत्र है। कूलिंग टावर क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, पानी और हवा जो है एक साथ कॉन्टेक्ट में आता है। पानी और हवा जो है एक साथ कॉन्टेक्ट में आने से क्या होता है, पानी ठंडा हो जाता है और हवा अपना पानी अपना गर्मी जो है एटमोस्फेयर में रिलीज कर देता है। ओके दोस्तों, तो यही आप बताना है इंटरव्यूअर की सर कूलिंग टावर में क्या होता है, हीट रिजेक्शन का काम होता है, जिसमें पानी गर्म पानी जो आता है हवा से कॉन्टेक्ट में अपना गर्मी एटमोस्फेयर में रिलीज कर देता है और पानी ठंडा हो जाता है। ओके दोस्तों, देखिए अभी हम लिखे हुए हैं, ये कूलिंग टावर इज ए हीट रिजेक्शन डिवाइस। अभी हम आपको बताएं कि कूलिंग टावर एक हीट रिजेक्शन डिवाइस है। ओके दोस्तों, इट वर्क्स बाय ब्रिंगिंग एयर एंड वाटर इन कॉन्टेक्ट। मैं जब कूलिंग टावर में पानी जो आता है, एयर और वाटर का कॉन्टेक्ट होता है, टू कूल द वाटर, और पानी को ठंडा कर देता है। ओके दोस्तों, एंड रिलीज अनवांटेड हीट इन द एटमोस्फेयर, और जो उसकी गर्मी जो होता है, पानी की जो गर्मी होता है वो एटमोस्फेयर में क्या होता है, रिलीज कर देता है। ओके दोस्तों, तो ये आपको व्हाट इज कूलिंग टावर समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है दोस्तों, हाउ मेनी पार्ट्स इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर्स में जो है कितने कितने से पार्ट्स लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे कूलिंग टावर में जो असेंबल होता है कूलिंग टावर का, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो आपको हम नॉर्मल पार्ट्स बताते हैं, जो आप इंटरव्यू के सामने बताएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये देखा है या काम किया है। तो दोस्तों, कूलिंग टावर में जो है जो पार्ट्स लगे होते हैं, अब ऊपर से अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर ऊपर से बात करें तो फैन, जो हमारा फैन लगा होता है, कंडेंसर फैन जो लगा होता है, ये हो गया फैन। उसके नीचे आइए दोस्तों, इल्यूमिनेट, ये आपका जो है इल्यूमिनेटर लगा होता है, जिसको हम ड्रिप इल्यूमिनेटर बोलते हैं, ड्रिप इल्यूमिनेटर हो गया दोस्तों। ओके, फिर नीचे आइए, पाइपलाइन होता है जिसको हम, उसमें नोजल लगा होता है। नोजल का काम है पानी को स्प्रे करना, और ड्रिप इल्यूमिनेटर का काम है दोस्तों कि पानी को ऊपर जाने से रोकना है, मतलब अभी बताएंगे आगे। ओके, नोजल हो गया, फिर आपका नोजल आने के बाद फिल्स हो गया, ये फिल्स लगे होते हैं जिसको हम आप लोग फिल्स बोलते हैं, फिल्स नहीं एक्चुअली वो फिल्स होता है। ओके दोस्तों, और ये संपीट जो नीचे जिसमें होता है, ये संपीट जो पानी जिसमें जाके जमा होता है। दोस्तों आप इतना बताएं, इतना काफी है बताने के लिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा इंटरव्यूअर की काम किया हुआ देखा हुआ। ओके दोस्तों, अब बताए, अब क्या है, व्हाट इज यूज ऑफ इल्यूमिनेटर, ड्रिफ्ट इल्यूमिनेटर। अभी जो हम यहाँ बताएं ड्रिफ्ट इल्यूमिनेटर, तो ड्रिफ्ट इल्यूमिनेटर का क्या काम है, ये देखिए ड्रिफ्ट इल्यूमिनेटर है ना, इसका क्या काम है, जो ऊपर में लगा होता है फैन के बाद, जो नीचे ये फैन के नीचे लगा होता है ड्रिफ्ट इल्यूमिनेटर, यानी तो इसका क्या काम है, इसका काम है कि दोस्तों जब कूलिंग टावर, जब पानी अपना हवा और कॉन्टेक्ट में, जब पानी जो अपना हीट रिलीज करता है, तो हीट रिलीज करने के बाद क्या है, उसमें जब हवा जो है, जब फैन जब मूव होता है, तो हवा जब पानी अपना हवा जब गर्म हवा जो बाहर खींचता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, नमी आता है। तो नमी आने के बाद क्या होता है, उसमें पानी ड्रॉपलेट पानी बन जाता है। तो ये क्या होता है, जब ये पानी, जब हवा जो, ये मान के चलिए ये ड्रिप इल्यूमिनेटर है, नीचे पानी है, ऊपर में फैन है, ये फैन ऊपर में जब फैन घूम रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जाके जब नमी जो ऊपर जाता है, जब वेपराइज होता है, तो इसमें जब नमी आने के बाद क्या होता है, ये बूंद बूंद ड्रॉपलेट बन जाता है, तो पानी को रोक देता है, ड्रिप इल्यूमिनेटर क्या होता है, पानी को रोक देता है, हवा को बाहर कर देता है, और यही पानी क्या होता है, बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट में बन के
ये पानी फिर नीचे कूलिंग टावर में गिर जाता है, यानी इसको पानी मतलब वेस्ट होने से बचाता है, पानी को बाहर नहीं जाने देता। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका ड्रिप इवेंटर। फिर है व्हाट इज स्केल इन कूलिंग टावर, कूलिंग टावर में स्केल का क्या काम है। तो दोस्तों कूलिंग टावर स्केल का ये काम है कि अगर आप पानी मान लीजिए, अगर क्या होता है अभी जिसे हम बताएं ड्रिप इलिमिनेटर में जो पानी अभी चला जाता है, तो उसमें क्या होता है पानी तो कमी हो जाता है, चलते चलते कूलिंग टावर में पानी तो कमी हो जाता है, पर क्या होता है उसमें आपका जो है जो अल्कलाइन वगैरह होता है, जो साल्टी वगैरह होता है, उसमें तो कमी नहीं आता है। लेकिन जो उसमें क्या होता है, तो कूलिंग टावर में धीरे धीरे क्या होता है वो स्केलिंग जमना शुरू हो जाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है हमारे कूलिंग टावर में काई वगैरह जम जाते हैं, स्केल वगैरह जम जाते हैं, पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो यही है कूलिंग टावर के जो हमारा स्केल जो जम जाता है उसी को डीस्केलिंग बोलते हैं। तो इसको करने के लिए क्या होगा, आपको प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ेगा, पानी नया कर, पुराना पानी निकाल के आपको नया पानी फिल करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है देखिए, टेम्परेचर ऑफ कूलिंग टावर, कूलिंग टावर का टेम्परेचर क्या है। तो हम जो कूलिंग टावर का टेम्परेचर जो होता है मीडियम रेंज जो हमारा 16 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं, तो ये हमारा कूलिंग टावर का टेम्परेचर रहता है। ओके दोस्तों, अब क्या है छठा नंबर, अप्रोच रेंज इफिशियंसी WT इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में अप्रोच रेंज इफिशियंसी और WT बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर इन कूलिंग टावर में क्या काम है। ओके दोस्तों, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसका क्या काम होता है, अभी हम देखिए सब आपको बताते हैं थोड़ा सा। रेंज इफिशियंसी WT इन कूलिंग टावर में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों बता रहे हैं, ये हमारा अभी कूलिंग टावर है, ठीक है, ये हमारा हॉट वाटर आता है, ये हॉट वाटर टेम्परेचर है, ये कोल्ड वाटर टेम्परेचर है, और ये WT है, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके दोस्तों, तो क्या होता है WBT ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है, ये दोनों से टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा ये यहां से यहां का जो ये होता है इसको बोलते हैं अप्रोच, इसको बोलते हैं अप्रोच, और इसको जो यहां से यहां तक होता है इसको बोलते हैं रेंज, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इंट्रोवर्ट पूछता है कि कूलिंग टावर का रेंज क्या होता है, तो आप बताइए हॉट वाटर माइनस कोल्ड वाटर, यानी कूलिंग टावर में जो पानी इन हो रहा है और कूलिंग टावर में जो पानी इसका आउट हो रहा है, इस इन का टेम्परेचर और आउट का टेम्परेचर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेंज। ओके दोस्तों, इसको बोल सकते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर टेम्परेचर इज कॉल्ड रेंज। ओके दोस्तों, फिर क्या है ये अप्रोच किसको बोलते हैं, अप्रोच आपको अप्रोच देखिए कोल्ड वाटर टेम्परेचर माइनस WBT टेम्परेचर, इसको अगर माइनस कर देंगे कोल्ड वाटर टेम्परेचर में WT वेट बल्ब टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा अप्रोच, अप्रोच आ जाएगा। ओके दोस्तों, आपका अप्रोच आ जाएगा, तो ये अप्रोच ऐसे निकालते हैं, रेंज आपका ऐसे निकालते हैं। ओके दोस्तों, अब WBT टेम्परेचर क्या है, WBT अब WBT समझ जाइए कि WT वेट बल्ब टेम्परेचर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों ये थर्मामीटर के जैसे मान के चलिए थर्मामीटर, तो थर्मामीटर में क्या है एक वेट मतलब एक कोई कॉटन का कपड़ा इसमें लगा दीजिए, कॉटन का कपड़ा इसमें क्या करके भिगा के इसमें ऐसे करके लपेट दीजिए, भिगाने के बाद इसमें लपेट देने के बाद आपका एटमोस्फेरिक एयर में जो रखने पर जो आपका टेम्परेचर बताएगा वो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। ओके दोस्तों, अब क्या है इफिशियंसी, मैंने इसका इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों देखिए अभी इफिशियंसी हम बता रहे हैं कि इफिशियंसी निकालने के लिए किस क्या बोलते हैं, इफिशियंसी निकालने के लिए रेंज डिवाइडेड रेंज प्लस अप्रोच, अप्रोच इनटू 100, ये है रेंज निकालने का फॉर्मूला। ओके दोस्त, अगर एफिशिएंसी अगर कूलिंग टावर का अगर एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं तो कूलिंग टावर की एफिशिएंसी अभी हम कैसे निकालते हैं आपको हम बता रहे हैं, देखिए अभी। ओके दोस्तों, तो ये अभी मान के चलिए हमारा हीट जो हीट वाटर मान के चलिए अभी 45 डिग्री
अगर यहाँ पे इन हो रहा है, अगर ये 35 डिग्री मान के चलिए एग्जांपल बता रहा हूँ आउट हो रहा है। ओके दोस्तों, अब देखिए अगर ये अभी मान के चलिए हमारा हॉट वाटर जो है, अभी देखिए इफिशियंसी ये क्या है, रेंज, रेंज क्या है, ये दोनों का माइनस यानी 45 डिग्री। देखिए दोस्तों हो गया, अब ये अभी हॉट वाटर जैसे 42 ले लिया, ओके दोस्तों अभी 45 लिखे थे तो सब डिफरेंस में 10-10 आ जा रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा हम घटा दिए तो 42.5 हो गया दोस्तों। तो 45 में देखिए, सॉरी 42 यहाँ हो गया, अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, अब ये फिर क्या है आपका रेंज, ये निकल गया मेरा, ये रेंज निकल गया, रेंज निकल गया। अब क्या है दोस्तों, अप्रोच निकालना है, अप्रोच निकालना है। अप्रोच निकालने के लिए देखिए दोस्तों रेंज कितना है, रेंज यहाँ पे है, रेंज कितना आया हमारा 7 दोस्तों, रेंज इतना, रेंज अगर हम माइनस कर देंगे तब पर 7 आ गया, यहाँ रेंज लिख दिए। अप्रोच के लिए क्या दोस्तों, यहाँ पे रेंज प्लस अप्रोच है तो यहाँ रेंज भी लिख दिए प्लस अप्रोच लिख दिए। इसको कैलकुलेशन करने पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा 41.17 जो है हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए रेंज अप्रोच रेंज इफिशियंसी WT इन कूलिंग टावर में क्या होता है आपको समझ में आ गया। अगर आपको कूलिंग टावर में पूछा जाता है दोस्तों कि कूलिंग टावर में उसका जो एफिशिएंसी में क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं तो भी आप ये बता सकते हैं, रेंज अफेक्ट करता है, अप्रोच इफिशियंसी WT, ये उसका जो है क्वेश्चन अगर पूछता है कि कूलिंग टावर में कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं एफिशिएंसी के लिए तो आप बता सकते हैं रेंज अप्रोच है, WT टेम्परेचर है, ये सब कूलिंग टावर का इफेक्ट है। ओके दोस्तों, अब जो दोस्तों अब नेक्स्ट क्या है, टावर्स लवर्स। तो ये कूलिंग टावर्स में लवर्स का क्या काम है, तो कूलिंग टावर्स में लवर्स जो होता है दोस्तों, ये हमारा जो कूलिंग टावर ऐसे होता है तो इसका लवर्स क्या आता है, ये ऐसे जो लगा होता है इसमें क्या होता है, जब पानी आता है दोस्तों तो पानी क्या होता है इसमें जो आता है दोस्तों, तो ये पानी को जो है बाहर नहीं जाने देता, पानी को बाहर जाने से रोकता है, यानी पानी सब इसमें गिरता है तो ये सारा क्या होता है हमारा कूलिंग टावर में संपर्क में आता है। और इसका लोअर्स लगाने का फायदा ये भी है कि ये हमारा डायरेक्ट जो पानी में सनलाइट आने से बचाता है, अगर डायरेक्ट सनलाइट आता है तो उसमें क्या होगा, काई जमने का, स्किन होने का डर रहता है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है, तो ये हमारा पानी को बाहर जाने से, फ्लैश आउट होने से बचाता है, इसलिए हम इस कूलिंग टावर्स में लोअर्स लगाते हैं, ये लोअर्स का यूज किया जाता है ताकि पानी जो है इसमें हमारा संपीट में सही से बना रहे। ओके दोस्तों, तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा इसमें और रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय।